24,000 इंडिया के हुए वो 24,000 का हमने सामान लिया, मतलब जैसे कुछ आया ही नहीं कसम से, है ना। डिग्गी भी फुल नहीं डिग्गी भी फुल नहीं हुई। ये अंडा देखो सऊदी अरब का, इस पे एक्सपायरी डेट होता है यार, माशाल्लाह। ये सऊदी का पैसा देखो। चलाने लगा यार, हमने कुछ नहीं किया मशीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और सबका सही जा रहा होगा। तो आज मैं बराबर 2 महीने बाद व्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है। तो रमज़ान भी आने वाला है, 2 दिन बचे हैं, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बिजी थे काम में, टाइम नहीं मिल पा रहा था व्लॉग के लिए। तो फाइनली आज टाइम मिला है, आज हम सुबह सवेरे अभी बजे हैं 6, तो अभी निकले हम रमज़ान के लिए। सामान लाना है हमें फुल 1 महीने के लिए, ठीक है। अभी सभी लोग हम पैसा निकाल रहे हैं, यहीं से मैंने व्लॉग भी स्टार्ट किया है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ सीन रहता है, आप लोग उसे सारा कुछ शेयर करेंगे। आप लोग व्लॉग में बने रहिए, ठीक है। सुबह सुबह धूप देखो अच्छी खासी निकली है, अभी सुबह के 6 ही बजे हैं, ठीक है। तो धूप भी अच्छी खासी निकली है। मेरे साथ अभी 2 बंदे हैं, दोनों यूपी के, रियाज भाई और अमान। सलाम अलैकुम, मुझे टोयोटो मार्केट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फाइनली ये मिली गाड़ी, इसके साथ पहले हिसाब करना पड़ा, ज़्यादा बोल रहा था तो 20, चल चल बैठ जल्दी, 20 रियाल में फाइनली मान गया बंदा। साम मुझे खलास, बिस्मिल्लाह, हालक है फालक, वेलकम वेलकम, कुल्लू तमाम, कुल्लू आयशी तमाम, बस हाजा इतने नंबर मार गई तामान इतने नंबर नोम ज्यादा है वाला दूर नोम पबजी अखिल खबसा खबसा नोम आई वो खबसा नोम सुबह 6 बजे का ट्रैफिक जाम देखो यहाँ भी कितना लगा है यार। इतना ट्रैफिक जैम सुबह सुबह, कमाल है यार। मुझे लगता है हम 10 बजे पहुंचेंगे अम्मा यहीं से। 2 लोग लिस्ट पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो मैं बोला कि वो वाला पकड़ते हैं, वो उधर से घुमा के लाया होता तब तक पहुंच गया होते। सही बात अम्मा, इतना बड़ा लिस्ट है क्या कसम से? 2 लोग लिस्ट पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा लिस्ट दिया है हमें लिख के। चलो पहले हमें ट्रैफिक जाम छोड़े तब ना। वो रियाज भाई कोविड कब का खत्म हुआ? कौन सा स्मेल, ये मच्छी का यार, कुछ नहीं करेगा। तो फाइनली ये पहुंचे हम मार्केट के पास, तो चलते हैं अंदर। ये देखो मच्छी मार्केट यहाँ पे, लेकिन स्मेल बहुत खतरनाक है यहाँ पे। हमें मच्छी लेनी ही नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, और सारा कुछ खुला होगा, मीट एंड वेजिटेबल्स। तो चले हम, तो हम पहले आए हैं गोश मार्केट में। यहाँ पे भाई साहब फुल बकरे गाय ऊंट ऐसी रखे इन्होंने लटका के। तो फाइनली यहाँ पे हमने गोश्त ले लिया, 5 केजी बढ़ेगा, 5 छोटेगा, 10 केजी, ठीक है। भाई साहब काट रहे हैं, माशाल्लाह। ये सऊदी का पैसा देखो, 200 रियाल, 100 रियाल, 100 रियाल कैसा होता है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं हुआ है, 1 गिरा। ये 200 का है, ये 50 का है, और 10 का, ये रहा 10 का। ये किंग है, किंग यहाँ पे अभी भी, मतलब 5 हलाल 10 हलाला
25 हलाला सब कुछ चलता है, कोई नोट बंद नहीं हुआ है, ठीक है। अपने इंडिया की तरह नहीं है, मतलब 50 पैसा बंद हुआ। अभी तो सुनने में आ रहा है कि अभी इंडिया में सुनने में आ रहा है कि 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं सिक्का, यहाँ पे अभी भी हर कोई चल रहा है। ये पैसे की गर्मी बाबू भैया, अमीर है अभी अमन भाई है? कितना है ये अमन, इंडिया का कितना है? इंडिया का है ये टोटल बताओ कितना है, गिनती भूल गए? 9500। इसमें बस गोश्त आएगा हमें। ये मेहनत देखो यार, मतलब सीधे ऊंट लाया इसने कंधे पे। आप इस ऊंट को उठा लोगे ना कंधे पे, कितने दिन आप सोओगे फिर रूम पे? तीन चार दिन आप उठ नहीं पाओगे। देखने कैसे लाते हैं, मतलब आधा ऊंट इसीलिए लाते हैं कंधे पे कसम से। हमारा गोश्त यहाँ पे होने वाला है कंप्लीट, 5 हो गया, 5 और हो रहा है यहाँ पे अभी। कितना हुआ वो, बस हो गया वो 5 भी उसको। अच्छा तो गोश्त लिया हमने यहाँ पे, अब चिकन की बारी है, अब लेना है हमें चिकन। कहाँ में मिलेगा यार चिकन? ये आ गए हम चिकन की दुकान में, अब उठा ले अमन। ये वाला दे दो। हाँ हाँ, तो अब ले लिए 10 चिकन भी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। भाई अब जान भला लेना चिकन खा के। चिकन भी हो गया, गोश्त भी हो गया फाइनली। 150, 150, 150। ये अंडा देखो सऊदी अरब का, इस पे एक्सपायरी डेट होता है यार। देखो ये 4/6/2030 को एक्सपायर हो जाएगा अंडा। ये देखा अंडा, अंडे को भी यहाँ पे एक्सपायरी डेट है, तो अंडा भी एक्सपायर होता है यहाँ पे, क्या होता है। तो अब आए हम सब्जी दुकान पे, अब लेनी है सब्जी, प्याज टमाटर आलू भिंडी पालक सब कुछ। यहाँ पे 15 kg प्याज ले लिए हमने, और आलू 12 kg। 2 महीना चलेगा रियाज भाई? 2 महीना में भी खत्म नहीं होगा। तो आपके खाने से 15 दिन मुझे नहीं लगता ये प्याज चलेंगे। अमन का इरादा पता नहीं कुछ है, इरादे बुलंद है इसके। चिकन 10, गोश्त 10 kg, अब प्याज 15 kg, मतलब टमाटर 1 crate, आलू 12 kg। असल में इसको ना रोज भेजते हैं हम मॉल में, ये क्या बोलते हैं इसको, सुपरमार्केट सामान लाने। तो इसने आज इरादा किया कि मैं एक ही बार में ला के रखूँगा, 2 महीना 1 महीना। चलो जी देखते हैं अभी, और गार्लिक बहुत कुछ सामान पड़ा है, तो देखते हैं क्या कुछ सीन रहता है, ठीक है। तो पैसा जोड़ने की बारी, प्याज टमाटर चलो पहले जोड़ो तुम, और बैंगन आलू गार्लिक मिर्ची धनिया सब कुछ ले लिया है, तो अब देखते हैं कितना पैसा बनता है। तो सामान हमने सारा ले लिया, अब लगी है भूख। 6 बजे के आए हुए हम, अभी बजे हैं 9, पहले नाश्ता कर लेते हैं, सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं है, नाश्ता करते हैं उसके बाद चलते हैं सामान लेके, क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी भी आएगी ना। तो देखो रियाज भाई ने सुबह सुबह बिरयानी आज रख ली है, मतलब ब्रेकफास्ट में बिरयानी, कमाल है। कब तक आया दाल पराठा, कैसा मजा है बिरयानी में? मजा आता है। फटाफट ब्रेकफास्ट, क्योंकि सामान भी उसके बाद कंधे पे उठाना है भाई, लोगों को भी बहुत ज्यादा सामान है, ब्रेकफास्ट करते हुए चलते हैं। तो अब हमें लेना है ऑयल, मसाले, राइस, और क्या लेना है इधर से, और थोड़े से बर्तन। हाँ तो ये सब लेना है सुपरमार्केट से, इसके बाद चलते हैं। पीछे देखो फिश मार्केट, यहाँ से सप्लाई हो रही है मार्केट। ये मच्छी देखो माशाल्लाह, इतनी बड़ी मछली है यार। तो ये आए हम सुपरमार्केट, यहाँ से सामान लेना शुरू,
ट्राली ले ली हमने माशाल्लाह, पूरा सामान हम यहीं से लेंगे। अब कुछ बर्तन लेने हैं, ऑयल लेना है, तो ये नीचे वाला ले लो ना, वो है ना, ऑयल मसाले रेड बीन्स बहुत सारा सामान इधर से भी लेना है, तो सारा सामान इधर से लेते हैं। तो बस अब मसाला रह गया है, बाकी हमने ले लिए यहाँ पे बर्तन वर्तन सारा कुछ, ये तेल, फ्लोर, चावल, बर्तन सब कुछ ले लिया हमने, चम्मच शमच। तो पूरा सामान हमने ले लिया यहाँ पे, ये देखो अभी आधा सामान अंदर ही पड़ा है, ठीक है, उसको अम्मान और रियाज भाई लाने गए हैं, बाकी भाई साहब ने भी बहुत हेल्प की है अंदर भी और यहाँ पे भी अब हेल्प कर रहे हैं। चलो भाई साहब अभी रोड क्रॉस करना, यार हमारे पास अभी लाइसेंस है, क्लास कर लेते हैं क्रॉस। तो ये सामान हमने इसमें भर दिया, बाकी अमन भाई उस पार वेट कर रहे हैं सामान लेके, और या अल्लाह हबीबी, और सामान पड़ा है हमारा। रियाज भाई किधर गया? तो चलते हैं अब सीधा रूम पे, क्योंकि रियाज भाई की आंखें देखो बंद हो रही है नींद से, तो ये बड़ा खुश हुआ कि हमने जल्दी में सारा सामान ले लिया, ठीक है। चलते हैं अब सीधा रूम पे, सामान हो गया मतलब 24,000 इंडिया के हुए, वो 24,000 का हमने सामान लिया, मतलब जैसे कुछ आया ही नहीं कसम से, है ना, डिक्की भी फुल नहीं हुई, 24,000 का हमने सामान लिया यहाँ पे। तो फाइनली ये पहुंचे हम, और किराया अभी नहीं बचा जेब में, ठीक है, तो मैं फटाफट से एजाज भाई के पास 20 रियाल लेके इसको देता हूँ, ये लेना पड़ा एजाज भाई से 20 रियाल। क्या यार, ओके मुझे, तो पूरा सामान हमने लाया, फाइनली ये पहुंचे हम रूम पे, पसीने से हालत भी खराब हो गई, तो अब इसको अरेंज करते हैं और सोना भी है, उसके बाद ड्यूटी भी जाना है, ठीक है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।